कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया मैं कबूल लूंगा, मगर ये शहजादे नहीं है तो आपको भी कबूलना पड़ेगा कि अपने स्वार्थ के कारण आप लोगों ने ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मलाई खाने के बाद जो छोड़ा है उसका कारण ये है कि आपका स्वार्थ है या आपका टिकट कट। स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी छोड़ने के बाद योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस देश में ओबीसी के सबसे बड़े नेता पीएम नरेंद्र मोदी हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बाय बाय करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब पार्टी को कई और झटके लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को यूपी में ओबीसी का बड़ा नेता माना जाता है। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं पर हमला बोला। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि टिकट काटा जा रहा था इन लोगों का या फिर इनसे सीट बदलने के लिए कहा गया था, इसलिए ये लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री ने आगे कहा कि इनको पता होना चाहिए जिस पार्टी में यह लोग जा रहे हैं वहां सिर्फ एम प्लस बाई चलता है और एम प्लस बाई के साथ अन्य पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जुड़ते। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया मैं कबूल लूंगा, मगर ये शहजादे नहीं है तो आपको भी कबूलना पड़ेगा कि अपने स्वार्थ के कारण आप लोगों ने ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मलाई खाने के बाद जो छोड़ा है उसका कारण ये है कि आपका स्वार्थ है या आपका टिकट कट रहा है या आपको टिकट बदलने की सीट के लिए कहा गया था वो आपसे हो नहीं रहा था, इसलिए आप छोड़ के उनके साथ जा रहे हैं जहां पर M प्लस Y चलता है। और जो M प्लस Y है ये भी याद रखें गाँव की स्थिति, वहाँ पर OBC समाज के जो अन्य लोग हैं वो M प्लस Y के साथ जुड़ते हैं। एक चीज और बता दें कि भाई आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ निर्णय किया, स्वागत है आपका, आप अपना निर्णय आपको स्वागत है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर 10 ऐसी चीज बता दीजिए जो दलित और ओबीसी के लिए उन्होंने की है पिछले 5 साल में, यादव और मुस्लिम समाज के अलावा उन्होंने क्या किया उसका व्याख्यान करें 10 चीज।